और जब रोपे बस वाइब्रेट हो रही थी ना भाई, हालत खराब हुई थी मेरी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज महेश एंड यू आर वाचिंग माही व्लॉग्स। सो आज है गाइस डे 3 और हम जा रहे हैं अंबाजी गब्बर। अबू रोड से अंबाजी अराउंड 25 किलोमीटर है और अंबाजी से गब्बर 5 किलोमीटर है। और अगर तुम्हारे पास टू व्हीलर है तो सीन्स तो क्रेजी होंगे। दर्शन करके फिर निकलेंगे। मंदिर के अंदर कैमरा फोन्स अलाउड नहीं था तो मैंने जो भी कैप्चर किया बाहर से ही कैप्चर किया। अंबाजी के दर्शन हो गए हैं, अभी यहाँ से गब्बर निकलेंगे। रीच एट गब्बर गए तो अभी ऊपर जाएंगे यहाँ से और फिर रोपवे से ऊपर।
आबू रोड के गेस्ट हाउस पे आ गए हैं। अभी खाना वाना खाएंगे फिर जाएंगे माउंट आबू। तो हम शाम को गए, पर उससे पहले मिलने में गया मेरे मामा से। वैसे लास्ट व्लॉग में मैंने आपको मामा से नहीं मिलाया था, चलो इस व्लॉग में मिल लेते हैं। और मेरे कुछ क्वेश्चन भी है, वो भी मैं उनसे पूछ लूँगा। हेलो मामा श्री, कैसे हो? वेलकम। भाई ये मेरे मामा शरद भाई। ओम शांति। यहाँ पे जो ब्रह्म कुमारीज है, यहाँ पे किस तरीके से सेवा करते हैं? मैं 22 साल से फैब्रिकेशन वर्क संभालता हूँ महेश। यहाँ पर ब्रह्म कुमारीज में ये इंटरनेशनल स्थान है ब्रह्म कुमारीज का। यहाँ जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, निर्माण का कार्य होता है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। जैसे कि आपने देखा शांतिवन देखा, मनमोहिनी वन देखा आपने, आनंद सरोवर देखा, सोलार के तरफ देखा, मानसरोवर देखा, तपोवन देखा। तो ये सारा कार्य का जो फैब्रिकेशन वर्क है वो मैं संभालता हूँ। तो मामा एक चीज मुझे बताओ कि आज मैंने नोटिस किया कि बहुत ज्यादा लोग खाना खा रहे थे, मतलब हजारों लाखों की तादाद में थे। कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आज इतने लोग खाना खाने आने वाले हैं और इतना काउंट है हेड काउंट, तो उस हिसाब से खाना बनाए? जैसे कि आप आए दो दिन पूर्व और आपका आते ही हमने रजिस्ट्रेशन लिया, जो आपके एक बैच के रूप में आपको दिया है। ये रजिस्ट्रेशन करना माना वहाँ पर हमारे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में उसकी एंट्री होना। तो ये कंप्यूटराइज है, जितने भी लोग हमारे पास आते हैं उनका संख्या दोपहर को शाम को जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वो भंडारा विभाग में चला जाता है, वो काउंटिंग वहाँ चली जाती है कि अनुसार नाश्ता भोजन रात्रि का भोजन इस तरह से बनता। और ये मोस्टली ये फंड कहाँ से रेज होता है, मतलब कुछ आइडिया है? फंड का बहुत इजी रीति से है, देखिए इसमें बहुत कुछ कठिन नहीं है। जैसे एक परिवार को चलाने के लिए, जैसे आपका परिवार है तो एक परिवार को चलाने के लिए आप 3 लोग काम करते हैं और उस परिवार को चलाते हैं। ऐसे ही ब्रह्म कुमारी परिवार है, ये परिवार लगभग 25 लाख लोगों का परिवार है। 25 लाख लोग इसमें तन मन धन से अपनी रीति से सहयोग करते हैं और इसको अपना घर समझते हैं। इस रीति से ये परिवार चलते हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे भाई बहन आते हैं वो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीवन जीने के लिए आते हैं और यहाँ पर ये मेडिटेशन सिखाया जाता है। मैं चाहता हूँ कि भारत के विश्व के सारे मनुष्य आत्माओं को ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है, जो विश्व शांति की बात हम कह रहे हैं, अपने जीवन में शांति कैसे आए। कंसेप्ट ये है कि दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं कैसे दे सकते हैं हम? दुआएं देने के लिए हम हर एक के लिए अपने मन में पॉजिटिव सोचें, तो अपने मन से हर एक के लिए दुआएं निकलती हैं। और दुआएं हम कैसे लें? क्योंकि जिनको भी हम सहयोग करते हैं उनको हम उनकी हम दुआएं ले सकते हैं। ये दुआएं दो और दुआ लो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसके ऊपर एक हमने मूवी भी बनाई है, दी कर्मा रिटर्न्स। आप YouTube में जाकर के जरूर इसका सर्च करें। मामा के पास एक मसाजर काउच है और उसके मजे मैं ना लूं ऐसा हो ही नहीं सकता। गाइस अभी मैं ये मसाजर ट्राई करने वाला हूँ, देखते हैं कैसा फील होता है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हो रहा है। ये देखो ये सेटिंग आप देख सकते हैं कि रिमोट से सेट हो जाता है सब। अभी मेरे बैक पे और मेरे लेग्स पे काम चल रहा है। सो वहाँ मनमोहिनी वन के पास एक छोटा सा और बेहद खूबसूरत टेंपल था, उसे भी विजिट कर लिया। ये देवी के मंदिर आया है, ऊपर जाके देखेंगे क्या है कैसा है। खूबसूरत मंदिर है, यहाँ से व्यूज तो बहुत ही शानदार दिखता है। ये बड़ा सा पत्थर जो मेरे ऊपर दिख रहा है आपको, बहुत ह्यूज है। यहाँ पे ऐसी गुफा है, नीचे से स्लाइड करके जाना है। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है,
यहाँ पे देख लीजिए, अब हम भी गुफा में जाएंगे। यहाँ से अभी आए हम, यहाँ पे बाहर निकले। मंदिर अब देख चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा गुफा का एक्सपीरियंस, बहुत मस्त रहा हमारा। मंदिर के विजिट के बाद मेरे और एक मामा मुझे मिले, हाँ वो भी वही समर्पित हुए हैं, मेरी आई के कजिन हैं। ये मेरे मामा हैं, सुभाष मामा, थैंक यू। इसके बाद तो हम माउंट आबू के लिए निकल गए थे, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिलेगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड। किसी ने कहा है जिंदगी के सफर का बस इतना ही फसाना है, हर रोज बदलती है मंजिल, बस चलते जाना। विद दैट सेड, सेट योर गोल, मेक योर प्लान्स एंड हंट योर ड्रीम्स। पीस आउट।